हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो आज हम लोग जो जेई मेंस 2020 के लिए, ये टॉपिक है ओनली फॉर जेई मेंस, है ना, एडवांस में आता नहीं है ये। तो मेंस का जो अगला टॉपिक है बहुत ही हलवा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, इसके जो 4 नंबर आने वाले हैं मेंस के पेपर में, वो कोई छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना, वो अगर छोड़ दिया तो आप के लिए एज स्टूडेंट क्राइम है कि भाई कैसे छोड़ दिया आपने ये 4 नंबर के सवाल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने वो देख लिए, है ना, जनरली वो 2-3 टॉपिक से ही सवाल आते हैं, तो अगर आपने वो देख लिया, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, मीन, वही 3-4 टॉपिक है, तो वो देख लिया तो इट्स लाइक कि 100% आप वो सवाल कर ही पाओगे। तो ये टॉपिक ऐसा है जो 4 नंबर, ये वीडियो देखने के बाद आपको 4 नंबर आपके जेई मेन्स में 100% सिक्योर हो गए हैं, वो तो करना ही है, छोड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, तो खुश हो जाओ, एकदम आसान टॉपिक है, तो लेट्स बिगिन। ओके, तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, उसी पे आता है ना, तो उसके जो बेसिक फॉर्मूले है वो देख लो, बस उससे काम निकल जाएगा। अब सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, मीन एंड वेरियंस ऑफ दिस डाटा, यहाँ पे 8 डाटा लिखा है, जिसमें से 6 पता और 2 वेरिएबल है। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 2 वेरिएबल है, इज 10,25, फाइंड एक्स वाई। ठीक है, एक्स भी निकालने दे सकते, वाई भी दे सकते हैं, यहाँ एक्स वाई निकालने दे दिया। सबसे पहला काम है वो तो मीन। मीन आपको पता क्या होता है, सम का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, जो कि 8 इक्वल टू 10। तो यहां से आपको दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 80, ये सबको एड करूंगा तो दिख रहा है 20, ये 20, 40, 56, 59, 61। तो यहां से x प्लस वाई आपको हमेशा मिल जाएगा कितना, 90। ओके, फिर वेरिएंस, वेरिएंस का दो फॉर्मूला होता है जनरली हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला है वो ये वाला, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता रहता है म्यू, ठीक है, और ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मतलब हर टर्म का स्क्वायर करना है। एक डेविएशन वाला भी होता है, ठीक है, वो जब सारे टर्म पता हो तब यूज करते हैं, जब कुछ वेरिएबल हो तो वो यूज नहीं करते, क्योंकि उससे बहुत लेंदी होगा, याद रखना एकदम, वो यूज नहीं करेंगे, ये करेंगे। ओके, अब ये वेरिएंस दे रखा 25, ये आपको पता ही है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 100, और ये सबका सम का, ये जितने भी टर्म है सबका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का 256, 20 का 400, टिल 20 सबका स्क्वायर आना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169, 7 का 49, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 8। अब ये 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 इंटू 8,000, तो ये 1,000 अलग। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे आपका आएगा 87 प्लस समथिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहां से कुछ आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 113। ठीक है, अब यहां हमने x प्लस y निकाला था, ऑब्वियसली दिख ही रहा है, अगर इसको यूज करना है तो इसको क्या करोगे, है ना, बहुत इजी है, दिखी रहा है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज 19 का स्क्वायर 361, ये याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक, बार बार बोल रहा हूँ, एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ 361 माइनस दिस, माइनस कितना 113, तो ये कितना आ रहा है 248 आ रहा है, इसको माइनस करने पे तो 248 का आधा मतलब कितना होगा 124, तो आपका आंसर हो गया 124। बस इसमें क्या है, मीन पता ही आपको, वेरियंस का हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं है सवाल। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो अगला वेरिएशन देखते हैं कि क्या पूछ सकते हैं। अब देखिए, एक इसमें इस टाइप का सवाल आता है जहां आपको सिग्मा एक्स आई माइनस फाइव दिए, ये माइनस फाइव या माइनस फोर या प्लस फाइव कुछ भी दे सकता, मतलब एक्स आई की जगह कुछ एक्स आई प्लस माइनस समथिंग देगा, उसका सिग्मा देगा और उसका सिग्मा स्क्वायर देगा। आपको पता है सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर किस में यूज होता है, मीन में और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, लेकिन अब आप एक्स आई का नहीं निकाल पाओगे, आप किसका निकाल पाओगे, एक्स आई माइनस फाइव, और एक्स आई माइनस फाइव का स्क्वायर पता है तो एक्स आई माइनस फाइव का निकलेगा, ठीक है ना, तो वही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना, ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है, ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं, दिख रहा होगा ये तो म्यू, तो हमेशा मीन क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, सबका सम क्या है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा 1, ये तो लल्लू चीज पूछा एकदम। फिर सिग्मा निकालना है, किसका निकालेंगे पहले, एक्स आई माइनस फाइव का ही निकालेंगे, तो क्या होता है सिग्मा अगर निकालना है तो रूट लगाना है, वेरियंस में रूट नहीं लगाना है, तो सिग्मा है तो रूट लगाना है, तो एक्स आई माइनस फाइव का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसमें दिख रहा है आपको ये 40 दिख रहा है, तो 40 बाई एन कितना है 10 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये दिख रहा है 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, बिकॉज यहां देखो आई 1 से 10 है तो 10 टर्म है, तो 4 माइनस 1 तो रूट 3, तो
तो अभी आपको मीन मिला है xi माइनस 5 का 1 और सिग्मा भी मिला है xi माइनस 5 का रूट 3। अब करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब xi माइनस 5 से xi लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 5 करना है। ठीक है, यहां पे भी क्या करना है, प्लस 5। जब आप कोई चीज में प्लस या माइनस करते हो तो मीन में भी क्या होगा, सेम चीज होगी। तो दैट मीन्स आपका अगर मीन 1 है तो यहां पे जो मीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा, 6। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सिग्मा में आपको पता है प्लस माइनस करने से क्या सिग्मा चेंज होता है, खुद ही सोचिए, नहीं चेंज होता है, है ना। इनटू करने से चेंज होता है लेकिन प्लस माइनस करने से सिग्मा में कोई चेंज नहीं है। तो दैट मीन्स अगर इसका सिग्मा रूट 3 है तो इसका सिग्मा भी क्या होगा, रूट 3 ही होगा। दिख रहा है ना, बहुत ही आसान है, इसी पे सवाल आते हैं सिग्मा। ये सारे प्रीवियस ईयर के ही कहीं ना कहीं आए हुए सवाल है, वही दिखा रहा हूं मैं, सब प्रीवियस ईयर के ही सवाल है। ओके, क्लियर। चलिए तो अगला वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है। इसके सारे वेरिएशन देख लेते हैं कैसे कैसे पूछ सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट 99% श्योरिटी हो कि कोई देखा हुआ ही सवाल मिलेगा। तो अगला ऐसे पूछा है कि म्यू एंड सिग्मा ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज बोथ 16, दोनों 16 दिया है, और पूछा फाइंड द मीन ऑफ कुछ xi माइनस 4 का स्क्वायर, मीन ऑफ समथिंग ऐसा दे देता है, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं 50 ऑब्जर्वेशन का मीन 16 है। तो आपको पता ही है सबका सम डिवाइडेड बाय 50 शुड बी 16, तो सबका सम क्या होगा, 50 इंटू 16। तो 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए 16 का आधा 8 होता है, तो 800 होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो सिग्मा होगा, सिग्मा अगर देखो तो सिग्मा होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, मतलब 16 का होल स्क्वायर ही 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 में 16 ऐड कर दे तो 272 इनटू क्या होगा, ये भी 50, क्या मिलेगा मुझे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो ये भी 272 का आधा कितना होता है, 136, और आगे दो जीरो लगा दो, 50 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है, इसका आधा कर दो और बाकी फिर दो जीरो लगा दो, ठीक है ना। रिक्वायर्ड मीन क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 50। अब इसको ब्रेक करते हैं, एक्स आई माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो ये हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 50 माइनस 2 4 8, ठीक है। तो 8 सिग्मा एक्स आई बाई 50 प्लस 16 सिग्मा 1, ठीक है, क्योंकि ये 16 आएगा तो उसको सिग्मा 1 लिख सकते हैं, सिग्मा 16 लिख सकते हैं, जो भी लिखो। अब ये चीज आपको पता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर हमने निकाला कितना, 13600 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 8 टाइम्स सिग्मा एक्स आई हमने निकाला कितना, 800 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 16 इंटू सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 मतलब 1111 कितनी बार लिखा है, 50 बार, तो 50 ही हो गए, 50 बाई 50, तो ये तो कैंसिल, 00 कैंसिल, 5 यहां कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है, 00 कैंसिल, 5 यहां कितने टाइम जाएगा, 272, तो आपका आंसर होगा 272 माइनस 8 इंटू 16, 8 इंटू 16 कितना होगा, 128 प्लस ये 16, 272 प्लस 16 288 माइनस 128, तो आंसर हो गया 160, तो दैट मींस आपका फाइनल आंसर आएगा 160। इसमें बस मेन ये निकाल लिया अलग से आपने, इसमें मेन काम होता है आपको सिग्मा एक्स आई का अलग से निकाल लो सम, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अलग से निकाल लो, ठीक है, फिर उसी का कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन दिया रहेगा सवाल में, क्लियर है ना एकदम। ओके, सिमिलर से सवाल है, थोड़ा बहुत वेरिएशन बस। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको देखिए लिखा है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर बोला है, इवन, ठीक है, इवन वर्ड को ध्यान में रखिएगा वरना आपका गलत हो जाएगा सवाल। इज 16 फाइंड एन, अब वेरिएंस का मतलब आपको पता ही, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे जो एक्स आई होगा वो इवन नंबर, मतलब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर कहां तक जाएगा, 2n का स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर कहां तक जाएगा, 2n का स्क्वायर तक जाएगा। सिमिलरली ये कहां तक जाएगा, 2 4 6 कहां तक जाएगा, 2n तक जाएगा। अब ओबियस सा बात है, इसको अगर सीक्वेंस सीरीज में भी आपने देखा होगा, इस टाइप के सवाल अगर करने हैं तो हमें 2 कॉमन लेना है बाहर, तो 2 कॉमन लेंगे, लेकिन 2 कॉमन होगा तो 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहां तक, n स्क्वायर तक डिवाइडेड बाय n। यहां पे भी मैंने 2 कॉमन ले लिया लेकिन स्क्वायर के बाहर निकालना तो 2 स्क्वायर ले लिया, इधर भी बचा 1 से लेके n तक का सम, ठीक है। अब ये सम तो आपको सीक्वेंस सीरीज में पढ़ रखा है, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n बाय 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, नीचे का n रह जाएगा, इधर सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और नीचे का n नीचे रह जाएगा, इधर ये n और n कटेगा, 2 2 4 2 3 6 ऐसा बच गया, इधर ये n n कटेगा, 2 का जब ओपन करोगे स्क्वायर 4 होगा, वो बाहर का 4 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा n प्लस 1 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और इधर क्या बचेगा, देखिए यहां बचेगा आपका 2n स्क्वायर प्लस 2n और n 3n प्लस 2 प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, अब मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा यहां पे तो 3n स्क्वायर 6n और 3, अब ये 3 को वहां ले जाता हूं 48, तो 48 इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर
और 2-3 क्या होगा, -1 वो उठ के यहाँ जाएगा तो +1 तो 49, तो आपका आ गया आंसर इक्वल टू 49 मतलब n इक्वल टू 7। ठीक है, ये भी 2020 का ही सवाल है आपका, जनवरी का 2019 या 20 का होगा। ठीक है, तो दिख रहा है एकदम सिंपल से वही वेरिएंस के ही सवाल है, बस आपको यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना था कि इवेंट टर्म दिया है। ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ओके तो चलिए बच्चों एक और वेरिएशन देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है। इफ म्यू एंड सिग्मा ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 10.3, वही सिमिलर सा दिया है। अब यहां बोला है फाइंड द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग -50, मतलब 5 तो यही है, 1/6 आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया। इस टाइप का सवाल आता है, या तो हटा दिया या इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ इंक्लूड कर दिया कौन सा -50। तो पहले तो एसीटी आपको पता ही, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर ओरिजिनल चीजों का। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई बाई एन 10 है, तो सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा, 50 गया। ठीक है, तो पहला चीज तो ये आ गया सिग्मा एक्स आई 50। अगला सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर इज वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस मतलब ये 3 का स्क्वायर करना, बिकॉज यहाँ सिग्मा दिया, ध्यान रखना। सिली मिस्टेक यही होता है और कोई सिली मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसमें सिली मिस्टेक कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर से अगर 4 नंबर नहीं लाए तो फिर तो कहीं अच्छी सी दीवार देख के सर फोड़ लो अपना, है ना। ये चैप्टर से 4 नंबर बिल्कुल नहीं गंवाने हैं। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन मतलब 5, और ये चीज आपका अभी हमने निकाला कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 9 109, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 545, तो एक चीज ये मिल गया। ठीक है, अब आपको बोला है नया जो डाटा उसमें एक डाटा हमने ऐड कर दिया है, तो एक डाटा क्या ऐड किया, तो n इक्वल टू 6 हो गया। अब ऐड जो किया -50 है, पहले सिग्मा एक्स आई 50 है, इसमें -50 ऐड कर दिया तो सिग्मा तो क्या हो गया, 0 खत्म। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पहले 545 है, अब -50 का स्क्वायर मतलब 2500, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 3045। अब वेरियंस आपको पता ही क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बाई एन का सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाई एन माइनस, ये चीज तो 0 होगी। हाँ, बस ये बचे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन। ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा 304/6, डिवाइड कर लो ऑलमोस्ट आएगा 507.5। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये ऐड किया है या माइनस किया है, तो अकॉर्डिंगली निकाल लो। हमेशा पहला काम है, लेकिन नोट कर लीजिए कहीं पे, सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालना है, ऐसे कोई भी सवाल नहीं। ठीक है, 100% हो जाएगा फिर। ठीक है, दो सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर के सवाल है ना, एकदम हिल लल्लू से साला बोलोगे सर ये क्या ये सवाल है ना, तो ये सवाल एग्जाम में बिल्कुल मत छोड़ना है। तो फ्री में बढ़ रहे हैं मार्क्स, ठीक है, फ्री में 4 नंबर मिल रहे हैं, मिस नहीं करना है। ठीक है ना, जो मिस कर दिया बहुत ही गधा है, फ्री में बढ़ रहे एकदम। सम ऑफ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 100, फाइंड एक्चुअल मीन। आपको बोला सम ऑफ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 50 दे रखा है, फ्रॉम 30 मतलब 30 एक कोई नंबर है, उसको मैंने मान लो कोई एक एक्चुअल मीन, तो कुछ और होगा। अब देखिए, एक्चुअल मीन अगर कोई है, मान लो 30 है एक्चुअल मीन, तो उससे सम ऑफ डेविएशन करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ डेविएशन एक्चुअल मीन से हमेशा 0 होता है, बट यहां बोला सम ऑफ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सम नंबर 30 इज 100, फाइंड द एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। ठीक है, एक्चुअल मीन क्या होगा, जो भी आपको दे रखा है वो नंबर 30 जो भी दिया है, प्लस जितना भी डेविएशन है, सम ऑफ डेविएशन जो भी दे रखा है, सिग्मा डीआई बाई एन बस। अब ये सिग्मा डीआई हो सकता है ऐसा दे दे इज -100 भी दे देते, चलेगा -100 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। तो एक्चुअल जो नंबर दे रखा है प्लस सिग्मा डीआई बाई एन, वो होगा आपका एक्चुअल मीन, खत्म। तो 30 + 100/50 = 32, देख रहे हो, 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड, कुछ भी नहीं अगर ये चीज पता हो तो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट्स में भी लिख रखा है, जो मैंने शॉर्ट दिए है वापस से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट सिमिलर सा है, म्यू ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 11 एंड नेक्स्ट 6 टर्म्स इज 16। ठीक है, बस इसमें यही है कि फास्ट कैलकुलेट करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, फ्री के नंबर है, लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 टर्म्स का 11 बोला और नेक्स्ट 6 टर्म्स का 16 बोला, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द 10 टर्म्स इज 2000, फाइंड द वेरिएंस पूछा है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का अगर 11 मीन है तो उनका सम क्या होगा, 44, 11 × 4 ऑब्वियस सा बात है। सिमिलरली 6 टर्म्स का अगर 16 है तो सम क्या होगा उनका, 16 × 6 कितना, 96। तो 96 और 44 मिलके 140 ही हो गया सिग्मा एक्स आई। तो ये चीज फटाफट लिखनी है सीधा। नेक्स्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर तो ऑलरेडी दे दिया कितना, 2000। तो वेरियंस आपको पता ही, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, तो 2000 डिवाइडेड बाई एन कितना, 10, तो 200, तो 200 डायरेक्ट लिख दिया। सिग्मा एक्स आई बाई एन, तो 140 को मैंने किससे डिवाइड किया, 10 से। तो अगर 140 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो 200 - 96 = 4। ठीक है, इनमें बस ये है कि फास्ट करना है, 5-10 सेकंड में आंसर निकाल लो, एकदम बच्चों वाली चीज है, प्रैक्टिस करो 2-4 बार सवाल यही सिग्मा, और मतलब
100% चांस है कि सवाल जो आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन के अराउंड ही घूमते फिरते कुछ आएगा, ठीक है ना? ओके चलिए बहुत बढ़िया। ओके तो एक देखिए क्या है कि फ्रीक्वेंसी वगैरह का टर्म इंक्लूड कर देगा। फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ना, कि कितनी बार वो आएगा, तो फ्रीक्वेंसी का टर्म कुछ फंक्शन के फॉर्म में इंक्लूड कर देगा। तो वहां स्टार्ट क्या करना बस वो देख लो। यहाँ बोला फॉर 20 स्टूडेंट्स मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। मार्क्स कुछ 2, 3, 5, 7, दो मार्क के इतने लोग है, 3 मार्क के इतने, 5 के इतने और 7 के इतने। अब ऑब्वियस सा एक चीज तो आपको तुरंत क्लिक कर गया होगा, क्या क्लिक कर गया होगा कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा वो तो कितना होगा बच्चों, 20 होगा, खत्म, वही पे सवाल खत्म है। बस इतना दिमाग में क्लिक कर गया तो बाकी तो बस पेन चलाना है, नंबर पाना है, कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इक्वल टू 20। एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है 2 है, 2x 4x माइनस 3x x प्लस x 2x, फिर ये माइनस 4 और यहां से 20 तो माइनस 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज 0। अभी डायरेक्ट आपको बोला था कैसे ब्रेक करना है, 12 तो 4 और 3 होगा, तो इधर क्या होगा प्लस 4 माइनस 3, तो प्लस 4 माइनस 3 तुरंत ब्रेक करना है। तो यहाँ पे अब एक होगा माइनस 4, हो नहीं सकता फ्रीक्वेंसी नेगेटिव, तो एक ही ऑप्शन बचा x इक्वल टू 3। अब x को 3 डाल के ये वैल्यूज निकाल लो, x को 3 डालूंगा तो ये 16, x को 3 डालते ही 1, x को 3 डालते ये तो 0 हो गया और x को 3 डालते तो ये 3 हो गया। तो अब आपको पता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, या तो सिग्मा एक्स आई बाई एन, बट अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, मतलब हर नंबर को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी तो 20 है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं। हाँ, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 16, 3 × 1, 5 × 0, 7 × 3, तो 16 × 32, 3 × 1 = 3, 7 × 3 = 21 by 20, तो ऐड करोगे तो 56/20, 56 का आधा होता है 28, नीचे 10 है तो 2.8, खत्म। देखिए चार नंबर मिल भी गया आपको, है ना, कितना फटाफट, मजा आएगी नहीं? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो मीडियन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मीडियन बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, मीडियन आपको बताइए मीडियन मतलब क्या होता है, मिडिल वाला टर्म। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है, जैसे मान लो 9 टर्म्स है, तो 9 टर्म्स है तो 9 + 1/2 मतलब फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा, मीडियन। 10 टर्म है तो फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों का एवरेज। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ 10 टर्म लिखे हुए हैं और आपको बोला इसका मीन 42 और मीडियन 35 है, ठीक है? तो मीन और मीडियन दे रखा, मीडियन 35 है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो मीडियन 35 मतलब फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का एवरेज होगा। अब यहाँ फिफ्थ टर्म 34 दिया है और मीडियन दिया 35, तो 34 के साथ 6 टर्म क्या ऐड होगी, एवरेज आके 35 आए, तो 34 और किसका एवरेज 35 होगा, ऑब्वियसली 36 होगा, है ना, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतना तो दिमाग होगा ही, तो ये 36 आ गया। तो दैट मींस जो x है वो तो क्या होगा 36, बचा वाई निकालना है तो वो आपको मीन से निकल जाएगा। मीन क्या दे रखा है 42, इसका मतलब सबका जो सम होगा वो क्या होगा 42 × 10 मतलब 420। तो सिग्मा एक्स आई सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड करोगे तो एक्स और वाई को अलग रखो, उसके अलावा जितने भी टर्म है सबका सम करोगे तो 300 आ रहा है, ठीक है, वो करके देख लीजिए 300 आ रहा है। तो दैट मींस x plus y equal to क्या होगा 120। अब ये 120 है जिसमें से x आपका 36 आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो y होगा वो होगा 84, बस बाकी y by x पूछा है, तो 84/36 कैंसिल वगैरह कर दो तो आपको यहां मिलेगा 7/3। वो पढ़ाई सिंपल है, बस इसमें यही है कि मीडियन का कांसेप्ट पता होना चाहिए। मिडिल टर्म अगर ऑड है तो एग्जैक्टली मिडिल मिल जाएगा, अगर इवन टर्म्स है तो आपको मिडिल में दो टर्म मिलेगा, दोनों का एवरेज लेना है, बस और कुछ नहीं है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। जो एक ऐसा सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या है आपको बोल दिया है कि जैसे कुछ नंबर था बट मिस्टेक से कुछ और नंबर ले लिया, एक बहुत कॉमन सवाल है, देखा होगा आपने। तो इसमें बोला म्यू एंड सिग्मा ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 10.4, ये दिया है, इफ इन प्लेस ऑफ 12 8 इज टेकन बाय मिस्टेक फाइंड द एक्चुअल वैल्यू। तो मतलब इन प्लेस ऑफ 12 8 इज टेकन बाय मिस्टेक, एक तो अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, उल्टा मत कर दीजिएगा, बोला इन प्लेस ऑफ 12 8 इज टेकन बाय मिस्टेक, इसका मतलब क्या है, 12 था लेकिन मैंने 8 ले लिया, ठीक है, 12 था लेकिन मैंने 8 ले लिया है, तो अब एक्चुअली लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को हटाना और 12 का जोड़ना, ठीक है ना, उल्टा मत कर देना कि 12 को हटा के 8 जोड़ दिया, गया सब गया, ठीक है, तो 8 को हटाना है और 12 को जोड़ना है, बिकॉज 8 मैंने भूल से ले लिया है, ठीक है। तो पहले तो इसका सिग्मा एक्स आई देख लेते हैं, इसका सिग्मा एक्स आई क्या होगा 100, 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 मीन है, तो सिग्मा एक्स आई 100। नेक्स्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय 10 माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा है ये, सिग्मा है तो 4 का स्क्वायर करना है, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर 100, 4 स्क्वायर 16, तो कितना हो गया ये 116, और 0 ऐड होगा तो 116 के आगे 0 लगा दो, 116, ठीक है। अब ये है मेरा गलत वाला डाटा, असली वाला डाटा निकालने के लिए जो सिग्मा एक्स आई है उसमें से 8 हटा के 12 को ऐड करना है, तो 4 ऐड होगा ओवरऑल तो 104। सिमिलरली यहां 8 का स्क्वायर हटाना 64 हटाना है और 12 का स्क्वायर मतलब 144 ऐड करना है, तो यहां पे दिख रहा है 80 का गैप आ गया, तो 1240, ये सिग्मा एक्स आई है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है, बाकी फिर सेम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, सेम वेरिएंस का तरीका। तो यहाँ सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर ये रहा 1240 डिवाइडेड बाय 10 माइनस
सिग्मा एक्स आई बाई एन कितना होगा 10.4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 124 माइनस, अब इसका स्क्वायर किसी को ना आए तो शॉर्टकट भी होता है ऐसे जो भी 10 के पास का होता है, तो 104 × 104 तो इसका 04 ज्यादा है 100 से, तो 04 बगल में लिख दो, दोनों का जो भी ज्यादा है बगल में लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 60, और 104 को क्रॉस करके इससे ऐड करो 108, या इसको इससे करो, बात एक ही है दोनों सेम आएगा 108, तो 108.16, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है, नोट कर सकते हो, ये इस टाइप के सवाल जहां 10 11 छोटे छोटे नंबर के पास में हो ना हो जाता है, तो 108.16 माइनस करोगे तो 15.84, तो नया वेरिएंट जो एक्चुअली होगा वो होगा 15.84, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है, इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्या माइनस करना और क्या ऐड करना है। सवाल घूम फिर के आपको दिख ही रहा है, सिग्मा एक्स आई और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर के ही इर्द गिर्द है, ये पिछले 2-3 साल के सवाल में से है, सब इसी के ऊपर आते हैं, ओके। एक दो कुछ टर्म एक्स्ट्रा होते हैं वो ध्यान में रख लो बस, ओके। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना, ओके ओके। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब सिग्मा एक्स आई प्लस 1 का स्क्वायर कुछ दिया 9 है, और सिग्मा एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर कुछ दिया 5 है, आपको पूछा फाइंड सिग्मा, ठीक है। अब एक्स आई प्लस 1 का स्क्वायर इस टाइप का आगे भी देखा था, उसमें आपको पता ब्रेक करते तो ये होगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा 1 इक्वल टू 9 है। अब इसमें आपको ये पता है ये जो सिग्मा 1 होगा ये तो n टर्म्स है तो n ही होगा, तो ये माइनस करोगे यहाँ पे तो 8n आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स आई इज 8n आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ओपन करेगा तो यहाँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और माइनस 2 सिग्मा एक्स आई आएगा, ठीक है। यहाँ फिर से वो प्लस 1 आने वाला है, और यहाँ 9n की जगह 5n है, तो इसीलिए यहाँ 9n माइनस 1 8n आया, यहाँ 5n माइनस 1 4n आएगा, तो वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। वो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखो, ऊपर एक बार कर ही दिया। अब आपको पता है कि आपको जब भी वेरिएंस चाहिए तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स आई चाहिए, तो इसीलिए एक बार इनको ऐड करोगे एक बार इनको माइनस करेंगे। अब जब ऐड करोगे तो आपको दिख रहे हैं दो कैंसिल, तो इधर 2 टाइम्स ये आएगा और 8 प्लस 4 12, तो 2 टाइम्स है तो आंसर क्या हो जाएगा 6n, ठीक है। ऐड करके 12 आ रहा है, इधर डबल होगा तो 6n, दूसरी टाइम माइनस करूंगा तो यहां 4n है और यहां 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए 4 डिवाइड करोगे तो सिग्मा एक्स आई क्या आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं वेरिएंस, वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा एक्स आई बाय n का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय n, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज 6n, 6n डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा 6, फिर सिग्मा एक्स आई बाय n क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, तो वेरिएंस आएगा 5, पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। तो बस वो ध्यान रखना, वेरिएंस पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन, सिली मिस्टेक नहीं करना, देखो ये चैप्टर ऐसा इसमें गलत हो ही नहीं सकता, होने से सिली मिस्टेक होगी, ठीक है। सवाल ऑलमोस्ट सब इसी के ऊपर है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, बस मैंने सारे वैरायटीज कर ली, इतने 10-11 क्वेश्चन अगर कर लोगे 100% गारंटी है एग्जाम में 4 नंबर तो आप अपनी जेब में डाल सकते हो कि ये तो आ चुका है, ठीक है। देखिए एकदम समझ आया बिल्कुल बढ़िया से, मजा आया एकदम, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ओके। तो अब ये अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, नेक्स्ट जो है वो भी वीडियो में इसी का नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग उस पर बनाऊंगा, क्योंकि वो भी फ्री के 4 नंबर है, ठीक है। तो ये 4 और 4 8 नंबर तो एकदम फ्री के हैं, तो इनको जरूर आपको करना ही है, सबको करना है, एकदम आसान सा कैच है, मिस नहीं करना है, ओके, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, तो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए लोगों को पास, जितने ज्यादा के पास पहुंचेगा उतना बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, ओके बाय, थैंक यू।